हेलो गाइस, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, क्या वो सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटेकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ओके, यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर इमैच्योर तो बहुत ज़्यादा है, या फिर इस रिलेशनशिप की बिगिनिंग में आप लोगों के पार्टनर ने इतने ज़्यादा इमैच्योर एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, या फिर इतने ज़्यादा इमैच्योर इन्होंने डिसीजंस ले लिए हैं कि आप लोगों की लाइफ में अभी करेंटली बहुत ज़्यादा ट्रबल आ चुकी है, या ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत कम लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करने वाली है कि आप लोगों के पार्टनर ने कुछ ऐसे एक्शंस ली है जिसकी वजह से आप दोनों की करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा इमैच्योर थे, लेकिन ये मैं कह ये तो मतलब ये आपके पार्टनर पहले तो सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन अभी आपके पार्टनर सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर, या आपके लिए इनके दिल में ट्रू फीलिंग्स तो है, लेकिन अभी सिचुएशन आप दोनों के हित में नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर स्ट्रेंथ बनाकर वेट कर रहे हैं। ये हो सकता है आपको एक्सप्रेस ना करते हो अपनी फीलिंग्स, लेकिन ये डेफिनेटली सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, या फिर इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है। कुछ ऐसे सिचुएशन में ये स्टक हो चुके हैं इनकी इमैच्योरिटी की वजह से, अभी इनको उस बात की रियलाइजेशन हो रही है। इनिशियल स्टेज पर तो ये सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन में, लेकिन अभी आपके पार्टनर सीरियस बन चुके हैं और वो बात आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ बनाकर सही टाइम का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन लेने के लिए। ओके,